तो गाइस अब हम लोग ओवरनाइट ट्रेवल करके अपने होटल में आ गए हैं चेक इन करने के लिए। बट यहाँ पे 8:30 बजे का चेकआउट टाइम है, उसके बाद ही अपने को रूम अलाउड है। तो चलिए आइए, होटल का आपको एंट्रेंस दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा होटल है। ये हमारा होटल है। तब मेरे हम लोग को रूम मिलेगा। तब कैसा लग रहा है होटल? कैसा लग रहा है ये अशु होटल? हेलो गाइज, हम अपने रूम में आ गए हैं, जो कि अब हम समुंदर की ओर जाएंगे बच्चे लोगों के साथ। विद फैमिली पूरा एंजॉयमेंट करेंगे। तब पिंकी, कैसा लग रहा है आपको? दम अच्छा लग रहा है, अभी जा रहे हैं। मातेश्री, हमारी मातेश्री भी बहुत एक्साइटेड है कि समुंदर के किनारे जाएंगे और थोड़ा सा एंजॉयमेंट करेंगे। और बच्चों लोग नीचे गए हुए झूला झूलने के लिए। तो अब मिलते हैं समुंदर में, हम लोग एंजॉय करते हुए। अब हम लोग बीच की ओर जाते हुए। तब युवे समुंदर में नहाओगे? अरे आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। ए आराम से चलो, आराम से, ज्यादा एक्साइटेड मत हो। आराम से नहाना है, ज्यादा बीच की ओर नहीं जाना है। और ये देखिए, हम लोग समुंदर के पास पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये है पूरी का समुंदर। ग्राउंड बहुत ही है, लहर देखिए, लहर लहर क्या लहर है। तो गाइस आप देख रहे होंगे क्या वेव है, बहुत ही शानदार वेव उठता है, गजब का। आरो आरो तो यहाँ का क्राउड देख रहे हैं ना, बहुत ही क्राउड है। फिर आगा क्या कर रहे हो बे? अरे बाप रे, तो गाइस समुंदर में फुटबॉल खेलने का मजा ही कुछ और है। बहुत ही एंजॉय लग रहा है। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां।
न तेरे संग लागे, बांधे जो पीपल पे धागे, इस सुरम के धारे बहते हैं नजरे बचा के। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और अब मिलते हैं पूरी ट्रिप के चौथे ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, सी यू।